कभी कंधे पर बिठाकर मेला दिखाता है पिता, तो कभी उंगली पकड़कर चलाना सिखाता है पिता। क्या कहूँ मैं, कभी ना भूल पाए वो कहानी है पिता, घर में जो है वो राशन है पिता। सो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द पीपल प्रेजेंट ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक सीएल फैमिली फॉर गिविंग द अनदर चांस टू असेंबल ऑन दिस स्पेशल ओकेजन ऑफ द फादर्स डे। सो टुडे वी ऑल आर गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट द फादर्स डे। सो बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम आई विल जस्ट ब्रीफ अबाउट द प्रोग्राम्स व्हिच वी आर गोइंग टू कंडक्ट और परफॉर्म टुडे। द एक्टिविटीज एंड वेरियस कॉम्पिटिशंस हैव बीन फॉरवर्डेड टू यू द लिस्ट एंड द रिजल्ट्स विल सून बी डिक्लेयर्ड ऑन दिस। सो व्हाट इज फादर? जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जिस तरीके से हमारी लाइफ में माँ की जरूरत है और माँ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसी तरीके से हमारे सबकी लाइफ में फादर्स की एक अलग इम्पॉर्टेंस है। जिस तरह हम माँ के बिना कुछ नहीं है, उसी तरीके से हम पिता के बिना भी कुछ नहीं है। तो ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगी। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपने स्कूल की अथॉरिटीज को, मैनेजमेंट को, ताकि वो दीप प्रज्वलन कर सके, जो कि एक शुरू से हमारी प्रथा चलती आ रही है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माई अथॉरिटीज एमडी मैम एंड एमडी सर फॉर द लैम्प लाइटनिंग। सो इट इज द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम। मंदिर मस्जिद ढूंढे ढूंढे गुरुद्वारे में, क्यों ढूंढे ना मुझको मन के चौबारे में। पल पल तेरे साथ मैं रहता, and now our CLPCians will perform the dance on Ganesh Vandana. Deva Shri Ganesh, 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 Deva Shri
this beautiful performance. I hope you liked it. Now I would like to invite our Honorable MD Sir Dr. Amit Gupta to say few words on this special day, that is on Father's Day. मुझको रखा छाव में वह चलता रहा धूप में, मैंने एक फरिश्ता देखा है पिताजी के रूप में। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। मैं पिताजी के लिए फादर्स डे के उपलक्ष्य में आप सभी को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा, साथ ही सभी स्टूडेंट्स को यह अपील करूँगा और यही समझाना चाहूँगा कि पिता एक कठोर मन का होता है परंतु अंदर से बहुत नरम होता है। हम इसकी संज्ञा एक नारियल के फल की तरह से करते हैं। एक नारियल का फल बाहर से बहुत सख्त रहता है परंतु अंदर से एक मीठा फल होता है। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही कहूँगा, अपने पिताजी के हृदय को देखें, बाहर की कठोरता को नहीं देखें। कठोरता एक पिता अपने बच्चों के अंदर संस्कार के लिए देने के लिए, सभ्यता देने के लिए, उसको समाज में लड़ने के लिए सिखाता है। वह बच्चों में संस्कार बनाता है अपनी कठोरता से कि बच्चा आगे जाके इन संस्कारों का पालन करे और अपने समाज में अपना नाम करे। साथ ही मैं सभी पेरेंट्स से यह भी अपील करना चाहूँगा कि वह बच्चों को अपने संरक्षण दे, अपना सपोर्ट दे हमेशा, क्योंकि पिता एक अपना सपोर्ट रहता है पिता का। तो हम महसूस करते हैं कि जब तक हमारे ऊपर पिताजी का हाथ है या हमारे पापा का हाथ है, फादर का हाथ है, तो हमें समाज में डरने की या हमें कोई भी काम करने से डरने की जरूरत नहीं होती। मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि जब तक मेरे को लगता है मेरे पापा का सपोर्ट मेरे साथ रहता है, तो मैं कोई भी काम करने में, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने में झिझकता नहीं हूँ और आगे बढ़ने में सक्षम हूँ कि भाई मेरे पिताजी अगर मैं कुछ गलत कर भी दूंगा तो वो बैठे हैं, वो संभाल सकते हैं, वो संभाल लेंगे किसी भी परिस्थिति को। तो मैं समझता हूँ कि सभी पेरेंट्स के लिए कि वह अपने बच्चों को सपोर्ट करें और आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करें। और सभी को मैं फादर्स डे के ऊपर शुभकामनाएं दोबारा देना चाहूँगा और बच्चों से यही कहूँगा, माता पिता दादा दादी का सम्मान करें, वह एक आपके लिए धरोहर हैं, उनको हमेशा पूजनीय है, उनका सम्मान करें। धन्यवाद। थैंक यू सर सो मच फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स। एंड नाउ अ सीनियर पेशेंट्स विल परफॉर्म द डांस फॉर ऑल ऑफ यू। ऐसे नहीं रोते, मैं हूं ना आपके साथ। Me.
It was really a splendid performance by the CLPS. Now you can see students are performing so good and they are doing so good for you. Because it is a special day for all the students. We are giving you the respect on this special day because father is also as important as the mothers are. So now I would like to invite the legal advisor of our school, Mrs. Sukhvarsha Gupta, to say few words. Namaskar. मैं सुखवर्षा गुप्ता सीएल पब्लिक स्कूल की तरफ से आप सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है आज फादर्स डे के साथ साथ इंटरनेशनल योगा डे भी है। तो योग के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि योग को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कीजिए। योग करने से हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है। जितनी हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगा उतनी ही हम कोविड-19 को जल्द से जल्द हरा सकते हैं। पिता के लिए मैं यही कहूँगी, पिता एक वृक्ष है जिसकी छाया में उसका परिवार, उसके बच्चे सभी सुरक्षित रहते हैं। पिता रूपी इस वृक्ष की छाँव में परिवार को कभी कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। जब तक पिता का साया सिर पर रहते हैं हमें उसकी कीमत नहीं पता होता, लेकिन जब यह साया हट जाता है तो हमें पता चलता है कि लाइफ में कितना स्ट्रगल है। माँ के प्यार को हम देखो भी जानते हैं, माँ ममता की मूर्ति होती है, माँ देवी होती है, हमें बहुत करना होती है। लेकिन पिता वो कभी भी अपना प्यार जाहिर नहीं करता, लेकिन वो दिल से और अपनी आत्मा से अपने बच्चों को प्यार करता है। एक पिता ही होता है जो अनकंडीशनल लव अपने बच्चों से करता है। एक पिता ही होता है जो यह चाहता है कि उसका बच्चा उससे ज़्यादा सक्सेस करे, उसके बच्चे को हर जगह इतनी ऊँचाइयाँ मिले, इतनी सक्सेस मिले जितनी कि उसने कभी सोची भी नहीं। इसलिए अपने पिता को हमेशा रिस्पेक्ट करें, हमेशा उसका आदर करें। अपने पिता के सामने अपनी आवाज़ कभी भी ऊँची ना करें, क्योंकि यही वो पिता है जिसने आपको बोलना सिखाया था, यही वो पिता है जिसने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। फिर हम कैसे अपने पिता के सामने, अपने पापा के सामने ऊँची आवाज़ में बात कर सकते हैं? जिसने हमें ज़िंदगी दी है उसके सामने हम सर झुका कर खड़े रहें तो अच्छा लगता है। इसलिए अपने माँ बाप का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा उनसे बहुत 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 प्यार करना चाहिए। मैं फादर से भी यही अपील करूंगी कि आप जब तक बच्चों की लाइफ में आपका बच्चा बहुत महफूज है, लेकिन आप बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना भी सिखाएं। बच्चे मालूम है आपकी जान है, आपकी आत्मा है, आप उन्हें हर चीज़ देना चाहते हैं, उनके बोलने से पहले देना चाहते हैं। लेकिन आप यह भी सोचें कि बच्चा जब आपकी छाया से, आपके शेल्टर से बाहर निकलेंगे तो वो लाइफ में स्ट्रगल में को देखेंगे। उस स्ट्रगल को उसको किस तरह से बीट करना है, किस तरह से उसको जीत कर आगे निकलना है, यह भी आपको सिखाना चाहिए। बच्चे की हर जिद पूरी करना माँ बाप जरूरी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा अगर किसी अनचाही वस्तु के लिए जिद कर रहा है या फिर किसी ऐसी वस्तु के लिए जिद कर रहा है जिसका उसकी लाइफ में कोई उपयोग नहीं है, तो प्लीज़ उसे ना कहना भी सीखें। आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत पैम्पर करते हैं, हर बात पे अपने बच्चों को बड़े ही प्यार से, बड़े ही दुलार से हर चीज़ उन्हें अवेलेबल करा देते हैं, लेकिन यह जब तक है जब तक वो आपकी छत्र छाया में है। आप मानिए आगे जाके लाइफ उसे अकेले ही बितानी है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाइए, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, उसे अकेले लाइफ के स्ट्रगल्स को बीट करने दीजिए। उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि वो कभी हार नहीं माने, कभी थके नहीं, और वह आपका नाम और आपकी फैमिली का और आपके परिवार का बहुत नाम रोशन करे। साथ ही मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि अपने माँ बाप का अगर हम सम्मान करते हैं तो वही हमारे बच्चे सीखते हैं। इसलिए पहले आप बच्चे के दादा दादी का सम्मान करें, उन्हें बताएं कि उनके लिए आप जितने वैल्यूएबल हैं उतने ही उनके दादा दादी आपके लिए वैल्यूएबल। बच्चा संस्कार आपसे ही लेता है। जब वो देखेगा कि मेरी फैमिली में दादा दादी को भी उतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, मेरे मम्मी पापा अपने मम्मी पापा का इतनी इज्जत देते हैं, इतना प्यार करते हैं, उनका इतना ध्यान रखते हैं, तो बच्चा वही सीखता है। संस्कार कहीं बाहर से नहीं आता है, संस्कार बच्चा देखकर सीखता है। जो आप करते हैं अपनी रूटीन लाइफ में वही बच्चा सीखता है। तो मेरी सभी फादर्स से अपील है कि अपने बच्चों को बहुत स्ट्रांग बनाए, आप अपने माता पिता का सम्मान करें ताकि बच्चे आपका सम्मान कर सकें। इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से
फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैव ए नाइस डे।